साल में एक दिन ऐसा आता है जब बेलपत्र की माला पहनने वाले भगवान शिव तुलसी की माला पहनते हैं और हमेशा तुलसी माला पहनने वाले विष्णु भगवान बेलपत्र की माला धारण करते हैं। इस प्रथा को हरिहर मिलन कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार देव शयनी एकादशी पर जब विष्णु भगवान शयन के लिए क्षीर सागर में जाते हैं तो वो पृथ्वी को संभालने का भार भगवान भोलेनाथ शिव को दे जाते हैं। ज्योतिष आचार्य के अनुसार देवउठनी एकादशी के बाद वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव पृथ्वी की देखभाल की जिम्मेदारी फिर भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। इस धार्मिक मान्यता को उज्जैन शहर स्थित बड़े गोपाल मंदिर में जीवंत किया जाता है। इस मौके पर महाकाल को तुलसी की माला पहनाई जाती है और विष्णु भगवान को बेलपत्र की माला अर्पित की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी रात 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर इस बार बहुत भव्य तरीके से हरिहर मिलन का उत्सव नहीं मनाया गया। महाकाल की सवारी गोपाल मंदिर पहुँचने पर परंपरा के अनुसार दोनों मंदिर के पुजारियों ने मध्य रात्रि में हरिहर मिलन कराया। पूजन आरती के बाद महाकाल फिर वापस मंदिर लौट जाते हैं। इस दिन महाकाल और गोपाल मंदिर के पट भी रात 12 बजे बंद हो जाते हैं।